जडेजा ने दो महेंद्र सिंह को बताया अपने करियर का मसीहा। रविंद्र जडेजा ने कहा, बचपन में कोच महेंद्र सिंह चौहान ने हमें संभाला, टीम इंडिया में महेंद्र सिंह धोनी ने मुझे संभाला। टीम इंडिया और चेन्नई सुपर किंग के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने स्टार स्पोर्ट्स को दिए इंटरव्यू में कहा है कि दोस्तों, उनके करियर में महेंद्र सिंह नाम के दो व्यक्तियों का अहम योगदान है। बचपन में मेरे कोच महेंद्र सिंह चौहान ने मेरे क्रिकेट करियर को निखारने में मदद की है। तो वहीं आगे कहा जडेजा ने दोस्तों, वहीं टीम इंडिया में आने के बाद मेरे करियर को संवारने में महेंद्र सिंह धोनी का बहुत बड़ा योगदान है। जडेजा ने इंटरव्यू में कहा, जब मैं 8 साल का था तो 1996 में जामनगर में कोच महेंद्र सिंह चौहान के पास ही ट्रेनिंग करने के लिए जाता था। सर का मेरे करियर में अहम योगदान रहा। शुरुआत में मैं तेज गेंदबाज बनना चाहता था। तेज गेंदबाजों को बाउंसर फेंकते देख मैं सोचता था कि मैं भी ऐसा करूंगा, आगे रविंद्र जडेजा ने कहा। और मेरे बॉलिंग में इतनी स्पीड नहीं थी। मेरे कोच महेंद्र सिंह चौहान ने मुझे से कहा कि तुम्हारी ज्यादा हाइट नहीं है और तुम्हारी गेंद में गति भी नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे स्पिन गेंदबाजी करने का सुझाव दिया। और मैंने भी सोचा कि हाँ, जितनी हाइट एक तेज गेंदबाज के लिए होनी चाहिए मेरी उतनी नहीं है। फिर मैंने लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी करनी शुरू की थी। मैं अब भी सर से मिलने जाता हूँ, हालांकि वहाँ पर बहुत ज्यादा बच्चे आते हैं, इसलिए मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाता हूँ। जडेजा ने आगे कहा कि मैं धोनी भाई से भी कह चुका हूँ कि मेरे क्रिकेट की यात्रा महेंद्र सिंह चौहान और महेंद्र सिंह धोनी के बीच में ही रही है। जडेजा IPL के 16वें सीजन में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेल रहे हैं। पिछले सीजन में धोनी ने जडेजा को IPL शुरू होने से एक दिन पहले चेन्नई सुपर किंग की कप्तानी सौंपी थी। हालांकि बाद में जडेजा ने कप्तानी छोड़कर बीच सीजन में ही IPL को छोड़ दिया था। तब धोनी और जडेजा के बीच संबंध में करवाहट की खबरें सामने आई थी। जडेजा ने IPL के इस सीजन में खेले गए 6 मैचों में 6.76 की इकोनॉमिक रेट से 9 विकेट ले चुके हैं, वहीं 125.81 स्ट्राइक रेट से रन भी बनाया है। तो दोस्तों, हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स बताएं। वीडियो को दिल से एक लाइक करें दोस्तों, और चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे YouTube चैनल नरेंद्र के क्रिकेट को अभी का भी सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।